Hello, welcome. This is a video series on SSC CHSL exam. In this series, we are going to discuss previous year general awareness questions. This is video number 10. In today's video, we are going to know first shift general awareness questions of SSC CHSL exam, which was conducted on 9th August 2021. Let's start. Comes to our first question. Which of the following state governments approved the Freedom of Religion Bill 2020 in December 2020? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी है? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर Did Gongsa Ugyen Wangchuk become the first monarch of Bhutan? Gongsa Ugyen Wangchuk किस वर्ष में भूटान के पहले सम्राट बने? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1907. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is the youngest test debutant in the history of cricket as on May 2020? May 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम आयु में टेस्ट मैच का डेब्यू करने वाला खिलाड़ी है? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हसन रजा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन ए पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस होती है? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रैंडम एसएस मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बांग्लादेश वाज ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम डैश. बांग्लादेश डैश तक पाकिस्तान का हिस्सा था? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1947 to 1971. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वैली इन एशिया? निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डांग वैली. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पास ऑन द पीर पंजाल रेंज? निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बनिहाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian cabinet minister was appointed as executive board chairman of World Health Organization, that is WHO, in May 2020? किस भारतीय कैबिनेट मंत्री को मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हर्षवर्धन. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुवान चेई इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ डैश. पुवान चेई डैश की पारंपरिक पोशाक है? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिजोरम. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ओलंपिक गेम्स डिड सबाना अख्तर द फर्स्ट फीमेल एथलीट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान पार्टिसिपेट? पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला एथलीट सबाना अख्तर ने किन ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अटलांटा ओलंपिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार? म्यांमार की मुद्रा क्या है?
और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज म्यांमार क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स डिड द संथाल रिवॉल्ट टेक प्लेस। संथाल विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1855 to 56। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर पोर्शन ऑफ सुफेद को माउंटेन रेंज लाइज इन डैश। सफेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा डैश में स्थित है, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्रीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बॉक्सर वॉन ए गोल्ड मेडल इन द 57th केजी कैटेगरी एट द कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप हेल्ड एट जर्मनी इन दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में आयोजित कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में निम्नलिखित मुक्केबाज में से किसने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मनीषा मौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेचुरल पोर्ट इज लोकेटेड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मरमगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इज बेस्ड फंडामेंटली ऑन द आइडियाज ऑफ डैश। राजकोणीय नीति की अवधारणा मूल रूप से डैश के विचारों पर आधारित है, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स इज नॉट शोन बाय मेटल्स। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लुक्स डल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज डिड द हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकालिस्ट उस्ताद बड़े गुलाम अली खान बिलोंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय नायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पटियाला घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर हाउसहोल्ड ब्लीचिंग एजेंट्स यूजिंग फॉस्फोरस सल्फर एंड क्लोरीन फॉर्म्ड। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करते हुए घरेलू विरंजक निर्मित होते हैं, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज दी फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला भाग कौन सा था, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इन मई 2020 वाज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल टी डे। मई 2020 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया था, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
that is 21st May. Next question. Which Indian information technology company won the 2020 IBM Beacon Award? किस भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने 2020 का IBM Beacon Award जीता है? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इन्फोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर्स एंड रोल इन हिस्ट्री. जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर एंड रोल इन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इश्तियाक अहमद. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल. निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वाटर. That's all for today. Thank you.